जेकर सानू ये समझ लग जावे कि पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंते को ना सहाई, अखीर कोई भी सहायता करने वाला नहीं है, ये दुख ये पीड़ा ये दर्द ये सिर्फ साड़ी एक मानसिक सोच है, ये साड़ा एक मानसिक ख्याल है, असी उस मानसिक ख्याल दे अंदर कुछ साड़ा ज्ञान है कुछ साड़ा अज्ञान है। ते मैं कहना अज्ञान बंदे नूं दुख नहीं दिंदा, ज्ञान बंदे नूं दुख दिंदा के। कोई तुहाडा अपना नहीं तुसां क्या आपां की लेना, कोई मुश्किल नहीं कोई उत्थे, कोई परेशानी उत्थे नहीं कोई, पर जिथे लग्या अपना गै, जिथे शनाखत है जिथे ज्ञान गै दुख भी उत्थे ही है। जिथे ज्ञान नहीं जिदी मानसिक स्थिति ठीक नहीं उहदे तन दे उत्ते कपड़े ना ही पाए कौन, उहनू कोई परेशानी नहीं। पर सानू ज्ञान है सानू इलम है, असी अपने तन दे उत्ते कपड़े पा के भी बड़े अपसैट हाँ बड़े परेशान। अज्ञानता दुख का कारण नहीं है, ज्ञान दुख का कारण है। साहब की बाणी पढ़ो, मेरे मालक जी ने दावा ही नहीं किया कि मैं ज्ञानवान। साहब कहते ने तेरा किया जातो नाही, मैनू जो कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई तरस पिया मैं रामत हुई, सतगुरु सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे करिया। ज्ञान खत्म हो गया, अपनी मत त्याग दिती, अपने आप नूं परमात्मा दे सुपुरद कर दिता, हवाले कर दिता। जेड़े परमेश्वर दू परमेश्वर दे सुपुरद हो जांदे की उत्थे जीवन खत्म हो जांदा चलदा ही। एक इंसान की गल करदा मनुखां की गल कर रहे हैं, जदों वो मां अपने बच्चे नूं जन्म दिंदी है ते देखो सानू ते सोझी है ना, असीं किवें सांभ संभाल करदी हां, हथां दे उत्ते चुकदे हां, बड़ी केयर करीदी है, बड़ा ध्यान रखीदा है। पर तुसीं कदी देखियो पशु पंछियां दे जानवरां दे बच्चे हुंदे ने, कोई केयर करन वाला नहीं है, कोई साथ देन वाला नहीं है। परमेश्वर ने परमात्मा ने ताकत उहनां नूं ऐसी दित्ती है कि देखो जदों बच्ची बच्चा जन्म लैंदे ने ते उह कुछ ही पलां दे अंदर अपने पैरां दे उत्ते खड़े हो जांदे ने, खड़े हो जांदे। जेड़ा परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख जी दे आसरे रहिंदा है मालक उहदे उत्ते बड़ी रहमत करदे बख्शिश करदे। जदों मनुख नूं इतनी समझ आ जांदी है इतनी सोझी आ जांदी है कि मेरा परमात्मा तो बगैर गुजारा नहीं, वाहिगुरु तो बगैर गुजारा नहीं, फिर वो दुनिया के अंदर लोभ लालच की बिरती अपने हिरदे के विचों त्याग दिंदा है, उहदे हिरदे के विचों प्रेम प्यार भावना उहदे हिरदे के विचों यह सोझी आ जाती है। मेरे मालक जी ने आख्या सी गुरबाणी के अंदर बचन कहे ने, धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने श्री राग के अंदर महाराज कहिंदे ने जैसे रहण परौणे उठ चलसें प्रभात, इदां तू दुनिया दे विच रिहा कर जिवें परौणे आउंदे ने ना। केड़ा सोहना शब्द लिया मेरे मालक जी ने कि परौणे मेहमान गैसट जदों अपने रिश्तेदारी दे घर अंदर वह परौणे जांदे ने उन्हां दे मत्थे दे उत्ते त्योड़ी नहीं कुंदी, शिकस्त नहीं कुंदी,
बड़े खुश होंदे ने, बड़े आनंद दे नाल रहिंदे ने। उन्हां नूं पता है ये मिलाप कुछ घड़ियां दा कै ते कुछ घड़ियां दा मिलाप करके वह चले जाते। साहब कहिंदे ने तू रहना इस ढंग दे नाल नहीं रह सकता। कदी प्रौहणे ने जिस थां दे उत्ते आया होवे दावा कीता है कि यह घर साडा कै, यह प्रॉपर्टी साडी है, प्रौहणे ने कदी दावा नहीं किया। वो आते ने कुछ घड़िया रेंदे ने, खुशी खुशी आते ने, खुशी खुशी चले जाते। साहब सानू समझा रहे ने तुम्हें संसार दे विच इदां आ, जदों इदां आवेगा ना ते जिवें प्रौहणियां दी आओ भगत हुंदी है तेरी भी आओ भगत होवेगी। रे रे दरगह कह ना को आओ बैठ आदर शुभ दी, तेनू माण मिलेगा सत्कार मिलेगा। महाराज कहिंदे ने सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, तेरी जहान दे अंदर उस्तत होवेगी। भगत सदना जी जदों वाहिगुरु की कृपा होवे रहमत होवे ना उदों ही मनुख नूं सोझी समझ लगती है। जदों उस वाहिगुरु अकाल पुरख की कृपा हो जाए, भगत सदना जी कसाई ने, कसाई का काम करते, इन्हां दे कोल अद्धी रात नूं कोई इंसान आया, उन्हें आखिया कि सदना जी घर अंदर परौने आए ने उन्हां नूं गोश पका के देना है, मैनू गोश दे दिओ। सदना ने बेनती की कि नहीं, जो बकरा कटिया सी उहदा गोश पूरा हो चुका गया, खत्म हो गया गया, हुण शेर दो शेर दे पिछे मैं बकरा नहीं वढ़ सकदा। उन्हें तरला मारिया, कहिंदा सवेरे नूं भी ते वढ़ना है, हुण ही वढ़ दिओ, सवेरे भी ते वढ़ोगे ना, सवेरे भी गाहक आउणगे लैण दे लई, ते हुण वढ़ दिओ तां की हो गया। उन्हें हुण भी मरना, सवेरे सुबह भी मरना, जदों मार ही देना फिर हुण की ते कल की ते अज की। सदना जी ने बकरा पकड़िया ते बकरे दी लत जिहड़ी है ना वह कट दित्ती, मांस लाया, जिन्ना गोश्त चाहिदा सी दे दित्ता। पर अज सदना जी दे मन अंदर बड़ी बेकरारी है, बकरा तड़प रहा है, ओदी दर्द भरी आवाज सुन के अज सदना जी दे मन अंदर बड़ा दुख आया। भावें वो बकरा कुछ समय बाद मर गया, पर इधर सदना जी दे मन अंदर बड़ा दुख होया कि आ जीवन है मनुख अपने रस दे लई, उन्हों रस सी कि घर अंदर प्रौहणे आए ने, उन्हां प्रौहणियां नूं ए मांस दियां बोटियां परोसनियां ने, ते मैनूं रस सी कि चलो चार छिलड़ जुड़ गए ने, चार छिलड़ दे गया कि ये वधिया हो गया, कल वढ़ना सी अज वढ़ दिता। उन्हां दे मन अंदर आया कि नहीं, जोरी किया सो जुल्म गए, ये ते बहुत बहुत वड्डा जुल्म है। उन्हां दे मन अंदर बैराग आया, उन्होंने परमेश्वर वाहिगुरु जी दे अग्यों परमात्मा दे अग्यों अपने इस भुल की माफी मंगी। ते देखो मालक की कृपा हुई, सदना जी की अंदर आत्मक अवस्था जिथे अंतकरण दे अंदर मैल सी, उस पछताप ने अंदर दी मैल नूं धो दिता, अंदर दा हिरदा शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। मालक ने कृपा की थी, परमेश्वर दी कृपा हुई। इसे तरह
ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਹ ਰਾਜੌਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੱਜ ਖੇਡਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਇੱਕ ਹਿਰਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਹਿਰਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿਰਨੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਸ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਆਇਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਗਏ।